देखिए आज प्रभास सर के प्रोजेक्ट के से काफी अच्छी अपडेट आ गई है और ये अपडेट स्वयं प्रोजेक्ट के मेकर्स ने भेजा है। तो आइए जानते हैं क्या चल रहा है अभी प्रोजेक्ट के अंदर। जहां तक पहले ही आपको बता दूं, प्रोजेक्ट के को बना रही है वैजयंती मूवी प्रोडक्शन कंपनी और जिसके मालिक हैं अश्वनी दत्त। असल में भाई ये कंपनी अब अश्वनी जी नहीं बल्कि उनकी दोनों बेटियां चलाती हैं। एक का नाम है स्वप्ना दत्त और दूसरा का नाम है प्रियंका दत्त। और आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे जो उनकी छोटी बेटी है प्रियंका दत्त एक्चुअली में इनके हस्बैंड अपने प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नाग अश्विनी है। जी हाँ, दोनों की शादी 2015 में हुई थी और ही नाग अश्विन अपने ससुर जी से प्रोजेक्ट के बनवाने के डिमांड किए थे और ससुर जी भी अच्छे आदमी निकले, अपने बच्चों के लिए प्रोजेक्ट के जैसी रिस्की फिल्म के ऊपर 500 करोड़ रुपए इजिली थमा दिए हैं नाग अश्विन के हाथ में। लो भाई, जैसी फिल्म बनाना है जिसके साथ बनाना है तुम बनाओ अपने साईफाई प्रोजेक्ट के। देखिए करने की बात है, प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर प्रियंका दत्त और स्वप्ना दत्त अपने किसी दूसरे तमिल फिल्म का प्रमोशन कर रही थी और वहाँ इन्होंने बोल दिया हमने अब तक प्रोजेक्ट के का 70% शूट खत्म कर लिया और हमारी मूवी का शूटिंग एक पैटर्न में चल रहा है। पहले 15-20 दिन नाग अश्विन स्पेशल फ्यूचरिस्टिक शूटिंग सेट रेडी करते हैं और तब प्रभास आते हैं 10 दिन शूट करने के लिए हर एक महीना में और उसी प्रोसेस में प्रोजेक्ट के शूटिंग पिछले साल से ही चलता आ रहा है। और प्रियंका दत्त ने यह भी बोला है बस 3-4 महीना में हम फिल्म का बाकी पोर्शन का भी शूटिंग खत्म कर देंगे और जिसके बाद 6 महीने तक लगातार VFX वाला काम किया जाएगा। और आपको बता दूं प्रोजेक्ट के विजुअल के लिए हॉलीवुड से कंपनी बुलाई गई है इंडिया में, सो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इस बार फिल्म का विजुअल कार्टून नहीं बल्कि रियल होगा और साथ में प्रोड्यूसर मैन ने यह भी बोला है हमारी प्रोजेक्ट के एकदम टाइम पर है, फिल्म यह पोस्टपोन नहीं हो सकती है, प्रोजेक्ट के कन्फर्म अगले साल 12 जनवरी को थिएटर में आ जाएगी। देखिए शायद हो सकता है प्रभास सर इस महीने प्रोजेक्ट के शूट पर ना जाए क्योंकि वो बिजी रहेंगे आदि पुरुष के प्रमोशन में ओम रावत के साथ। खैर दोस्तों, आज आपको पता चली गया होगा ये नाग अश्विन कोई आम डायरेक्टर नहीं है बल्कि फ्यूचर मालिक है वैजयंती मूवी जैसी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी की और जब ये प्रोजेक्ट के हिट हो जाएगी ग्लोबल लेवल पर तो ये कंपनी और भी ज्यादा बड़ी बनने वाली है हर चीज के मामले में। बाकी दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।